press the bell icon for all the updates. दीपिका पादुकोण समझती है कि पद्मावत फिल्म में उनकी भूमिका यानी कि रानी पद्मावती का रोल उनके अलावा बॉलीवुड में कोई भी एक्ट्रेस निभा नहीं पाएंगी। दीपिका ने ये बात नेहा धूपिया के चैट शो बीएफएफ विद वोग में कही है। महेश भट्ट की 1951 थ्रिलर सड़क का रीमेक सड़क 2 हो सकती है शेल्फ। कारण है आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा का ब्रेकअप। महेश भट्ट सड़क का रीमेक बनाने जा रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ आलिया के ब्रेकअप की वजह से अब फिल्म में कोई डेवलपमेंट्स नहीं है। फिल्म गली बॉय से रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक रिलीज होने के बाद दोनों के जिम करते हुए फोटोज हुए वायरल। रणवीर ने इंस्टाग्राम पर लिखा पार्टनर गोल्स। दोनों एक साथ फिल्म गली बॉय में नजर आएंगे जो कि 2019 वैलेंटाइंस डे पर रिलीज होगी। फिल्म पद्मावत से सुर्खियों में रह चुकी दीपिका पादुकोण ने अपने नए वर्कआउट वीडियो से सोशल मीडिया पर तहलका मचाया। रिफॉर्मर पर स्वान ड्राइव करती नजर आई दीपिका। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद मांगी बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने। दरअसल मल्लिका ने डच एनजीओ फ्रीअ गर्ल की को फाउंडर एवेलिन होल्सकिन को भारतीय वीजा देने में मदद के लिए सुषमा स्वराज से की रिक्वेस्ट। पचानवे वर्षीय दिलीप कुमार की खैरियत लेने पहुंचे किंग खान शाहरुख। सामने आई तस्वीर, शाहरुख ने दिलीप कुमार से मुलाकात करके उनका हाल चाल लिया और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। कपूर बहने करिश्मा कपूर और करीना कपूर 15 फरवरी को होस्ट करने जा रही हैं अपने सुपरस्टार पिता रणधीर कपूर की ग्रैंड बर्थडे पार्टी। रणधीर कपूर 15 तारीख को 71 साल के हो जाएंगे। 28 सितंबर को मिली है मौजी और ममता से। फिल्म सुई धागा से अनुष्का शर्मा और वरुण धवन का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। दोनों के ड्रास्टिक मेकओवर ने छीनी लाइमलाइट। कुछ टाइम के लिए भूल जाइए तैमूर अली खान को, क्योंकि वायरल हुई उनकी बहन यानी कि कुणाल खेमू और सोहा अली खान की बेटी इनाया की कुछ क्यूट तस्वीरें। इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी प्रिया वारियर ने बॉलीवुड स्टार के जानवी कपूर, शाहरुख के बेटे आर्यन खान और शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर को इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया है। प्रिया के इंस्टा किड्स के मुकाबले है 1.8 मिलियन फॉलोअर्स।